नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। स्कूलों में 31 मई तक ले सकेंगे दाखिला, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। बजाज कैपिटल लिमिटेड ऊनो में भरे जाएंगे पद, कितने पद भरे जाएंगे ये भी पूरी जानकारी आपको देंगे। गिरिपार क्षेत्र में तेंदुए ने महिला पर कर दिया हमला, जी हाँ ये भी पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं इसी तरह की और भी कई खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की अंतिम तारीख को अब 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहली से 12वीं कक्षा में 31 मई तक विद्यार्थी बिना लेट फीस के दाखिला ले सकेंगे। इससे पूर्व 1 से 7 अप्रैल तक दाखिला लेने की अवधि निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक तिथि फिर से बढ़ाई थी। इसके बाद 7 मई तक तिथि फिर से बढ़ाई गई थी। अब दोबारा छात्र हित में दाखिला लेने के लिए तिथि को बढ़ाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। 21 जनवरी 1961 को जन्मे न्यायाधीश सईद ने वर्ष 1984 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे बॉम्बे हाईकोर्ट में सहायक सरकारी वकील भी रहे। उन्होंने सरकार की ओर से मैंग्रोव कचरा डंपिंग, चैरिटेबल अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क और रियायती चिकित्सा उपचार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित जनहित मामलों में पैरवी की है। मुख्य सचिव रामसेवक सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 31 मई 2022 को होने वाले दौरे की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित करना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम में इस तरह की 11 चयनित योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअली बात करेंगे। इनमें देश के 773 जिलों के साथ साथ प्रदेश के 12 जिलों के 40 लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद सत्र में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे पर्यटक स्थल कुफरी के चीनी बंगला में कुफरी चायल मार्ग पर बने 4 ढाबों में मंगलवार को आग लगी। आग लगने के बाद एक गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। इसे ढाबे पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गए। छोटा शिमला फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर भगत राम ठाकुर की अगुवाई में पहुंचे बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि सुबह 8:20 पर अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद टेंडर के साथ जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग में करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने हमीरपुर स्थित NIT में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उसे ये अधिकार प्रदान करने में सहयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर बातचीत हुई है, लेकिन वास्तव में छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर कोई वास्तविक कार्य नहीं किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को न केवल साक्षर होने बल्कि सही मायने में शिक्षित होने की भी जरूरत है, जो कार्य एक कमरे में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में बल देती है। मैसर्ज बजाज कैपिटल लिमिटेड ऊना शाखा में 30 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर के 10 पुरुष और महिला, क्लाइंट केयर एग्जीक्यूटिव के 10 पद महिला एवं सर्वे इंटर्न के 10 पद पुरुष वर्ग में भरे जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और MBA और क्लाइंट केयर और सर्वे इंटर्न के लिए 12वीं से स्नातक पास होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर पद के लिए 10 से 16,000 रुपये प्रतिमा वेतन दिया जाए।
डिडवी टिक्कर साई मार्केट के पास दोपहर के समय गाड़ी और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए और शीशा भी टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी चालक अपने परिवार के साथ बिलासपुर की तरफ आ रहा था, जबकि बाइक सवार तेज रफ्तार से हमीरपुर की तरफ जा रहा था। डिडवी टिक्कर साई मार्केट में गाड़ी और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार की टांग टूट गई। वहीं गाड़ी चालक ने मानवता की मिसाल पेश कर दूसरी गाड़ी बुलाकर घायल बाइक सवार को लोगों के सहयोग से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया। जिला सिरमौर के गिरपार क्षेत्र की कोटापा पंचायत में तेंदुए ने मंगलवार को महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के परिजनों द्वारा गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल पौंटा साहिब उसको ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोटापा पंचायत के कोटा गांव की महिला सत्या देवी सुबह घर से कुछ ही दूरी पर खेत में काम करने गई थी। अचानक तेंदुए ने महिला पर हमला बोल दिया। महिला ने हिम्मत दिखाकर बड़ी मुश्किल से तेंदुए के चंगुल से छूटी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। रक्कड़ और कोटला बिहार में उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय और डाडासीबा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के परागपुर के नकीखड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला की जसबा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रूपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर, सहारा योजना, शगुन जैसी योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात कि कांग्रेस के नेता प्रदेश में हो रहे विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की जनता के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया है। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में 3 दिन पहले आए तूफान ने बागवानों और किसानों का काफी नुकसान किया है। जहां इस वर्ष सभी पल्म और सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वहीं तूफान और ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों और बागवानों ने प्रशासन से इसका आंकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। तूफान से रचौली, राजपुरा, खखरोला, नरसू और दत्तनगर सहित अन्य क्षेत्रों में पलम की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि पलचरा, गिचा, व्यूंथल, जगधारा, करेरी, रसेंदली, मसारना, छलावट, कमलाऊ, नरेण, कलेड़ी, मजेवटी, थैली, चकटी क्षेत्रों में सेब और नाशपाते सहित अन्य नकदी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों और बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।